हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इन टुडेस वीडियो वी विल आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी यूजिंग इंस्टा ट्रेड एफएनओ फीचर ऑफ एंजल वन। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एंजल वन एप्लीकेशन के होम पेज में है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको इंस्टा ट्रेड एफएनओ का ऑप्शन शो होगा, उसमें आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप सेम विंडो में चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑप्शन चेन देख सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, यहां से आप कैंडल स्टिक को चेंज कर सकते हैं, यहां से आप अपने फेवरेट इंडिकेटर को लगा सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी पोजीशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो में देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी स्टॉक या शेयर का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड लिया है 19,331 पे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को असाइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 19,296 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है 19,158 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 19,017 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 19,526 का, देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 19,673 का, एंड देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है 19,793 का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमें 19,526 के लेवल से एक अच्छा खासा प्रेशर बनता हुआ निफ्टी के मार्केट में दिख रहा है। जस्ट इन केस अगर कल के डेट में मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 19,526 का। और अगर निफ्टी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 19,673 का। और इसके साथ हमें निफ्टी मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 19,296 का। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन करता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हो जाएगा 19,158 का। और इसके साथ हमें निफ्टी के मार्केट में बेरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। ये तो बात हो गई निफ्टी की, चलिए अब हम बैंक निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी में क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट लग चुका है। बैंक निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड 44,892 पे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को असाइन कर रखा, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 44,786 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है 44,355 का, एंड देन हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 43,930 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 45,426 का, एंड देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 45,829 का, एंड देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है 46,243 का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी मार्केट हमारे पहले सपोर्ट के लेवल जो कि है 44,786, एंड हमारे पहले रेजिस्टेंस के लेवल जो कि है 45,426 के बीच में ही कंसोलिडेट किया है। जस्ट इन केस अगर कल के डेट में मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 44,786 का। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन करता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हो जाएगा 44,355 का। और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी मार्केट में बेरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में कल के डेट में गैप अप ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 45,426 का। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 45,829 का। और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। बात करें अगर एमएसईडी इंडिकेटर की, तो एमएसईडी इंडिकेटर में क्रॉस ओवर के बाद पिक्टोग्राफ में ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही, जो कि आगे चल के और भी ज्यादा हमें अपवर्ड डायरेक्शन के मूवमेंट बैंक निफ्टी मार्केट में दिखा सकती है। ये तो बात है कोई बैंक निफ्टी की, तो चलिए अब हम फिन निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं। फिन निफ्टी के लिए फिन निफ्टी में क्लिक करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिन निफ्टी 25 जुलाई 2023 की एक्सपायरी के चार्ट लग चुका है। फिन निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड लिया 20,105 पे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल का असाइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 20,046 का, एंड देन हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है 19,832 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 19,630 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 20,337 का, एंड देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 20,551 का, एंड देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है 20,766 का। जैसा कि आप देख पा रहे, फिर निफ्टी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट बनती हुई दिख रही है। साथ ही साथ फिर निफ्टी मार्केट में 20,105 के लेवल से एक सपोर्ट लेता हुआ फिर निफ्टी मार्केट दिख रहा है। जस्ट इन केस अगर कल के डेट में मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 20,046 का। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन करता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हो जाएगा 19,832 का। और इसके साथ हमें फिर निफ्टी मार्केट बेरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में कल के डेट में गैप अप ओपनिंग होती है, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 20,337 का। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 20,551 का। और इसके साथ हमें फिर निफ्टी मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। बात करें अगर एमएसईडी इंडिकेटर की, तो एमएसईडी इंडिकेटर में क्रॉस ओवर के बाद पिक्टोग्राफ में ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है, जो कि आगे चल के और भी ज्यादा हमें अपवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट फिर निफ्टी मार्केट में दिखा सकती है। किसी भी स्टॉक या शेयर को बाय करने से पहले उसका कंप्लीट एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आपको लग रहा है ट्रेंड बुलिश जा सकता है, देन आप बाय करें। इन केस अगर आपको लग रहा है ट्रेंड बेयरिश जा सकता है, देन आप सेल करें। बाय करने के लिए मैं बाय के बटन पर क्लिक करूंगा, देन यहां आपको एंटर लॉट टाइप करना होगा। जितना भी लॉट आपको लेना वो आप टाइप करेंगे। मुझे दो लॉट
शॉर्ट लेना, मैं दो टाइप करूंगा। उसके नीचे आपको लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में आपको लेना उसमें आप टॉगल करके आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे लिमिट में लेना, मैं लिमिट में रख के आगे प्रोसीड करूंगा। नीचे आपको बाय का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ कंफर्म बाय, कंफर्म में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अभी जाके आप एंजल वन के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं।